साथियों को नमस्कार भाई। आज हम फीडबैक लेंगे किसान भाई का, पुन्नी की बैक टू बैक जो थ्रेसर है उसके बारे में क्या कुछ कहना है। प्रीत 649 चार सिलेंडर जो सुपर है उसके साथ में किसान भाई चला रहे हैं, तो क्या कुछ कहना है इस मशीन के बारे में किसान साथी का, उनसे पूछेंगे, परिचय कराएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले अपने किसान भाई ने परिचय, अपना गांव नाम के जी, अपना गांव कौन सा है, नाम के जी अपना। नाम से जी किशन सुनो। हाँ। कुमार सिंह, गांव नांगलबुंदी। गांव नांगलबुंदी। अच्छा, आप बैक टू बैक जो मशीन है पहली बार लेके आए आप जी? पहली बार है। अच्छा, यो कई किले निकाल दिए होंगे लगभग? अपन लगभग निकाल दिया जी 70-72 किले। अच्छा, 70-72 किले निकाल दिए। मशीन किसी लगी अपन, थोड़ा इसके बारे में बताओ। मशीन जी बढ़िया से बढ़िया, मतलब कि तो ऐसा लग गया हो भाई कमजोर भी है मशीन, ऐसा लग गया कभी? गिल्ला में कमजोर, मतलब अगर गिल्ली तो आ गई सरसों। हाँ हाँ। फिर कितना दबाव माने या निकाल ले नहीं की? फिर ज्यादा गिल्ला निकाल को नहीं, ज्यादा गिल्ला नहीं निकलेगा। अच्छा अच्छा, अगर सूखा हो तो? सूखा हो तो एक नंबर काम करेगी, जल्दी करेगी, सुथरो करेगी। सूखा हो तो मतलब कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी। अच्छा, अभी टाइम होगा करीब करीब 7 बज गए होंगे। हाँ हाँ। मशीन चल रही है, सुबह किस टाइम चला दो आप? सुबह चला 9 से 10 बजे तक। अच्छा, और शाम तक किस टाइम तक चल जाए? 8-9 बजे तक। 8-9 बजे तक चल जाएगी। अच्छा जी। अच्छा, इसी ट्रैक्टर पे चलाया अपन, और किसी पे चलाई देखिए? दूसरा चलाई इंडो फार्म 30-55 चलाई। इंडो फार्म 30-55 हुई चलाई, रिस्पॉन्स किसा कर रहा दोनों इन इस ट्रैक्टर में और उसमें कितना फर्क रह गया? जो ट्रैक्टर लोड कम ले हुए प्रीत 649। हाँ, वो लोड ज्यादा ले हुए। वो लोड ज्यादा। मॉडल कौन सी है दोनों? क्या मॉडल? 23 मॉडल दोनों? 23 मॉडल। अच्छा भाई, कितने घंटे चल गया होगा ट्रैक्टर? हो ट्रैक्टर चल गया जी 500 घंटा। 500? एक दो सर्विस होगी मतलब? दो सर्विस होगी। अच्छा जी। अच्छा, इसमें स्टोरेज जो रहे है सरसों की कितनी है? 20 मण। 20 मण की कंपनी कह रही है, वैसे कितनी आती होगी लगभग? 18-17 मण आ जाए। अच्छा, और कोई खास चीज लगी हो मशीन में अपन? खास तो जी केस है कमाए, वैसे पसार में निकाल दे से। अच्छा, पसार में अगर इकट्ठा कर रखे वो भी निकल जाएगा? इकट्ठा करो निकाल दे से, पसार में निकाल दे। अच्छा अच्छा, टूडी गैल स्टॉक हो जाए। टूडी गैल स्टॉक हो जाए, यो एक बेनिफिट इसका है ना, बेनिफिट रहेगा। अच्छा, इसमें कंपनी ने बताया कितने फसल आप निकाल सका? एक मूंगफली फसल ने छोड़ कर सारी फसल निकालनी बताई। मूंगफली ने छोड़ गया, धान ने भी शायद छोड़ गए मेरे। मूंगफली और धान, मूंगफली धान छोड़ के सब कुछ निकाल लेगी भाई, गेहूँ है, सरसों है, चना, मूंग, सब निकल जाएगा। अच्छा जी भाई। अच्छा, अगर देखा हमें टाइम कितना लगा हुई भी आप, मतलब पसार में पड़ी है सरसों? पसार में 1 घंटा ले ले ये भी, फिलहाल में 1 घंटा लग जाएगा। इकट्ठे में 40 मिनट में काट दे। इकट्ठे में 40 मिनट और भाई अभी 1 घंटा लग जाएगा लगभग। हाँ हाँ। अच्छा भाई, चलो। और अगर प्राइस की बात करा, कितना प्राइस में पड़ी अपने? प्राइस 8-75। 8,75,000 रुपये। अच्छा, इसमें बैक टू बैक में एक की मॉडल है जी, छोटा बड़ा भी है कोई? हाँ, छोटा बड़ा भी। छोटा बड़ा भी है? बड़ा। अच्छा, यह बड़ा मॉडल है छोटा है? छोटा मॉडल 40 इंची। छोटा मॉडल है 40। चलो जी, तो अभी सरसों निकाल लाँगे भाई, स्टोरेज जो रही है वो कंबाइन की तरह मतलब साइड में होकर चला जाएगा और उससे सरसों निकाल ली जाओगी। अच्छा, मतलब अपन 9-1 लाख रुपये लगा दिए खाली मशीन पर, के लाख गए वसूल हो जाएंगे? इस सीजन में होंगे या दो सीजन कितने के लग जाएंगे लगभग? में कम रहेगा तो अगला में बच जाएगा, कोशिश तो शिव का में बने। अच्छा, कितने कई के एकड़ की औसत लग गया अपन इस सीजन निकाल देंगे? 200+। 200+ सरसों के, और गेहूं में भी चलाओगे थोड़ी? गेहूं को 50 किलो ज़्यादा नहीं करेगा अब, मतलब गेहूं में थोड़ी मतलब इकट्ठी है तो गिल्ला अगर आ गया तो दिक्कत रहेगी, वैसे निकाल देगी 50 किलो। अच्छा, फिर गेहूं में भी वह सीधा स्टॉक हो जाएगा सीधा ना? हाँ, ट्रोली में। हाँ, रेपर का काम करेगी? रेपर का काम करे। अच्छा भाई, जब इसके साथ में क्या कुछ दिया कंपनी ने टूल किट वगैरह के में? टूल किट में जी ग्रीस गन दियो तो चाबी पाना जो भी हैगा। अच्छा, चाबी पाना होगा अपना, ग्रीस गन होगी। अच्छा, गारंटी की अगर बात करा तो कितनी के लिए? गारंटी एक सीजन। एक सीजन मतलब यो सीजन आप मार दें, कोई दिक्कत आई कंपनी सोल्यूशन करेगी। अच्छा, मशीन के चौक भी हुई है? एक बार हुई थी गिल्लाम चौक, एक बार चौक हुई थी। कोई तोड़ फोड़ करी मशीन ना? कोई तोड़ फोड़ मतलब ट्रैक्टर बंद कर दिया था कि वैसे चौक हो गई थी? बेल्ट स्लिप मार गई थी या ओगर वाली ये? अच्छा, आप
पंखे वाली बेल्ट स्लिप मार गई थी, बेल्ट फूक गई। अच्छा बेल्ट टूटी है मतलब जड़ गई, टूट गई बेल्ट। अच्छा बेल्ट टूट गई मतलब स्लिपेज मार गई भाई, पर बाकी और मशीन ने कोई टूट फूट नहीं करी। चलो भाई किसान भाई का जो फीडबैक था काफ़ी शानदार था, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिए, बाकी आपने सरसों निकाल के और दिखाओगे। धन्यवाद। सबसे पहले तो हमने फीडबैक लिया था जिनकी मशीन थी, और भाई अब फीडबैक लेंगे जो किसान भाई अभी फ़िलहाल में सरसों निकलवाई है, ट्रॉली के अंदर पड़ी है, और इनसे पूछेंगे अभी के कुछ कहना मशीन के बारे में, भाई फ़र्क कितना का लगा किसान भाई ने। तो नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले अपने किसान भाई ने परिचय, अपना गाँव नाम के जी। भाई प्रदीप कुमार, गाँव सारणवास, जिला रेवाड़ी। ठीक है जी, सारणवास अपना गाँव है। अच्छा प्रदीप जी, आप ये बताओ मशीन का मतलब जो सरसों निकालने के बाद कैसी लगी सरसों? भाई बिल्कुल बहुत ही बढ़िया काम कर रही है ऐसी मशीन, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि भाई एरिया में ऐसी मशीनों से काम हो तो बहुत बढ़िया है। अच्छा 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 मतलब पुन्नी की बैक टू बैक जो मशीन है यार, इससे संतुष्ट हो आप? बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट है। अच्छा इसके काम तो संतुष्ट हो, मतलब आप भी आप पे संतुष्ट हो गए, खेत वाला संतुष्ट हो गया, तो मालिक तो संतुष्ट है, बढ़िया काम कर रही है मशीन, बढ़िया काम कर रही है, आधे खर्चे में काम चल रहा है, आधे खर्चे में काम चल रहा है। अच्छा आपने पहले जैसे कि हड़म्पा तो निकलवाया होगा? मेरे पास खुद की अपनी हड़म्पा है, मैंने वो यूज ही नहीं की। अच्छा हड़म्पा यूज ना करी आपने, इससे करवा लिया काम है? मेरे पास वहाँ की चौमू वाली हड़म्पा है, मैंने खुद आपकी बार, मैं अभी 25 किलो की खेती करता हूँ। अच्छा अच्छा, मैंने आपकी बार यूज ही नहीं की उसकी। अच्छा मतलब आप इससे सारा काम निकलवाना चाह रहे हो? इससे यही मशीन निकालेगी मेरा सारा। अच्छा बेनिफिट के कुछ और के फायदा लगे मशीन का? बेनिफिट ये है जो कटाई के किल्ले के हम 3,000 रुपए देते थे, हाँ उसमें 2,000 रुपए में हमारी कटाई हो रही है, 1,000 रुपए तो वो बच गए। ठीक है। और इकट्ठी करवाने का जो 600-700 रुपए हाँ, की पन्नी लगाते थे, बिल्कुल बिल्कुल वो बच गए हमारे, बिल्कुल बिल्कुल। और टाइम बच गया, अभी 8 दिन में हम निकाल लेते हैं। अच्छा, वो अच्छा। लगाने के बाद 15-17 दिन तो वो उसमें वो है, बिल्कुल बिल्कुल। और एक और बेनिफिट ये ना, जो स्टोरेज कूड़ी का स्टोर है ना, साथ साथ हो रहा है इसका, तो ये तो ट्रैक्टर वाला का काम है, ये हमारा थोड़ी है, ये तो जो हमारा काम है वो बताया। हाँ बिल्कुल, देखो इसको भी इसको, इसको बेनिफिट तो है बहुत ही ज्यादा, बिल्कुल। और इससे ज्यादा सरसों से ज्यादा गेहूँ में मजा आएगा इसमें। अच्छा गेहूँ में, क्योंकि गेहूँ में खेत वाले को मजा है, कूड़ा सीधा घर पहुंच रहा है, सीधा घर पहुंच रहा है, के 5,000 रुपए उसको बिल्कुल जो मजदूरी उसको देनी पड़ती है वो बच जाएंगे, वो बच जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। काफी बढ़िया लगा। अच्छा थोड़ा ये बताओ कि टाइम कितना लगा इसमें अडम्फा के मुकाबले में अगर देखा तो निकालने में? भाई निकालने में तो टाइम तो सेम है, वही 1 घंटा ही है। अच्छा लगभग 1 घंटा। अच्छा इसमें ये है कि भाई पूरे खेत में राउंड लगाती है वो, एक जगह पे खड़ी होती है, एक जगह पे लगाती है। चलो जी, बाकी तो भाई के पास में अडम्फा दिया था। एक ट्रैक्टर के बारे में और थोड़ा बताओ, ट्रैक्टर किस आ गए 36 भाई? मेरे लिए तो सोना है ये। सोना? हाँ। अच्छा क्या मॉडल है जी? जो है 96 मॉडल। 96? अच्छा आपने कब लिया था? मेरे को हो गई इसको 8-9 साल। 8-9 साल हो गए। अच्छा जी, बढ़िया ट्रैक्टर है? मेरे को बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सबसे कम तेल का खर्चा है इसका। कम तेल का खर्चा और भाई बढ़िया ट्रैक्टर है ना? बढ़िया। चलो जी, और कम पूंजी में? कम पूंजी में जितने का लाया था उससे कुछ ना कुछ देके जाएगा, इतना निकाल दिया, बिल्कुल। हाँ खर्चा नहीं ले, अच्छा कोई खर्चा नहीं है, अपना अपना 20-25 किले की खेती करते हैं, अपना खड़ा कर दिया नीचे। 20-25 किले की खेती करते हो इससे आप? हाँ, और बाकी भाड़ा अलग है, वैसे तो 60-70 किले की करता हूँ मैं। अच्छा अच्छा, किराए का ज्यादा भी काम है यार भाई, 20-25 किले तो आजकल देखा होगा, 2-4 किले वाले जमींदार भाई है, नए नए जमींदार नया ट्रैक्टर लेके आते हैं, बड़े ट्रैक्टर लेके आते हैं। आप इस ये कहूंगा जो नया जमींदार बन रहा है वो अपना पुराना ट्रैक्टर लाए वो बढ़िया है, बिल्कुल पुराना लेके आओ, अपने कम पूंजी का जितने का लाएगा उतना का बिक जाएगा। हाँ जो पैसे टूटने वो तो पहले टूट ले हैं, वो तो चाहे आप एजेंसी निकलवा लो, 50,000 रुपए तो बाहर निकालते टूट जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई किसान भाई ने काफी अच्छा फीडबैक दिया है, और ट्रैक्टर के बारे में भी काफी अच्छी शानदार बात बताई है, तो धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत।